नमस्कार एमएनएस न्यूज में मैं क्षितिजा आप सभी का स्वागत करती हूँ। मानसून सत्र 2018 की कुछ खास बातचीत विधान भवन में सीधे विधायकों से। आज हमारे साथ है राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान, विधायक आशीष देशमुख और विधायक मिलिंद माने। आइए देखते हैं इन्होंने क्या कहा। हमारे साथ इस वक्त अशोक चौहान जी हैं। हम पूछे उनसे नाना प्रकल्प के बारे में। जी आप मुझे बताइए, नाना प्रकल्प को जिस तरह से लाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? मैं नाना प्रकल्प मैंने हाउस में जो कहा वही मैं दोहराऊंगा कि आज नाना के मुद्दे पर लेकर सरकार अल्पमत में है, क्योंकि शिवसेना कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस सभी नाना के खिलाफ उतरे हैं। क्यों उतरे हैं? क्योंकि मुख्यमंत्री ने और केंद्र सरकार ने इन सबको विश्वास पे नहीं लिया। अब अनंत गीते जी केंद्र सरकार में मंत्री है शिवसेना के, क्या उनको विश्वास में लिया है? क्या ठाकरे जी को बताया गया कि क्या प्रकल्प है? क्या हमारे शिवसेना के जो ग्रुप लीडर है सुनील प्रभु, उनको विश्वास में लिया? क्यों आज शिवसेना के लोगों को वेल में उतरने की बारी आ रही है? कहीं ना कहीं सीएम जी ने एक ये बात कही थी कि नाना प्रकल्प सबको सहमति से लेके किया जाएगा, बट कहीं ना कहीं स्थायी लोगों की ही यानी कि जानकारी में नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो आपने विधानसभा में देखा ना, आपने शिवसेना के लोग उतर रहे हैं, शिवसेना के लोग सरकार में हैं। अब ये बात अलग है, वो इनकी हिपोक्रेसी जो है, सरकार में बैठते हैं, चाय बिस्कुट समोसे खाते हैं और बाहर आके विरोध करते हैं। आप मंत्रिमंडल में क्यों नहीं विरोध कर रहे हैं? शिवसेना को हमारा खुले तौर से पूछना है, अगर शिवसेना बाहर आएगी तो सरकार अल्पमत में है। आपने बताया कि नाना प्रकल्प के बारे में आपको भी जानकारी नहीं दी गई है। नहीं देखो, हमें ना जानकारी नहीं दी है तो हम समझ सकते, लेकिन क्या गीते साहब को दी है? क्या उद्धव ठाकरे जी को दी है? क्या सुनील प्रभु जी को दिए? कि अपने पार्टनर जो है सरकार में, आखिरकार सरकार की मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी सभी मंत्रियों की होती है, कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी होती है स्टेट की, उनको क्या विश्वास में लिया गया? क्यों छुपाना चाहते हैं नानार का सच? अगर इतना कुछ होने के बावजूद भी नानार प्रकल्प बनता है तो आपकी प्रतिक्रिया क्या? देखिए, बनने को देखिए, अभी सरकार के कितने दिन बचे हैं, अब ये कैसे बताएंगे? उस पर कोई वो भूमि पूजन भी हो गया क्या? तो कोई ऐसे प्रकल्प हमारे राष्ट्रीय प्रकल्प होते हैं, सभी विपक्ष को साथ में लेकर विश्वास में लेकर प्रोजेक्ट होते हैं। इस तरह से बुलेट ट्रेन का अनाउंसमेंट हुआ, हम उसको विरोध क्यों कर रहे हैं? हमें विश्वास में नहीं लेगी, हम इसके खिलाफ है पूरा, क्योंकि ऐसे 1,10,000 करोड़ जो अभी बता रहे हैं, जिसका अंतिम पता नहीं कितना खर्चा होगा, किसके फायदे के लिए? क्या महाराष्ट्र की जनता ने मांगा था? क्या मुंबई की जनता ने मांगा है? क्या कोंकण की जनता ने नाना प्रकल्प की मांग की थी? ये जो विदर्भ में प्रकल्प लाने चाहिए, जो मैंने भूमि पूजन किए थे अमरावती के नांदगांव पेट में, भारत डायनेमिक्स का प्रकल्प का भूमि पूजन मैंने किया था या नहीं किया था? प्रफुल्ल पटेल जी के साथ मैं और प्रफुल्ल पटेल जी ने भंडारा में BHEL के प्रकल्प का हमने भूमि पूजन किया था कि नहीं किया था? उसको आगे आप क्यों नहीं बढ़ा रहे? कहीं ना कहीं विकास के नाम के नीचे एक तरह की तानाशाही की जाए, क्या कहेंगे? पूरी सरकारी तानाशाही सरकार है, तानाशाही प्रवृत्ति की सरकार, इसीलिए के लिए तो हम उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। किस किस मुद्दों पे वो इस सत्र में बात कर रहे हैं? जी आशीष जी, आप मुझे बताइए कि इस मानसून सत्र में आपके किस किस मुद्दों के ऊपर आपने अभी तक की बातचीत की है? देखिए, किसान विदर्भ का बदहाल है, हमारे यहाँ को युवाओं को रोजगार नहीं है, और जिस तरीके की तकलीफ जन सामान्य को है, ये जो मानसून का सत्र यहाँ आयोजित किया गया है, हम चाहते हैं कि सभी विधायक विदर्भ की बात करें, विदर्भ के जो प्रॉब्लम्स है, विदर्भ की विकास की ओर ले जाने की जो संभावना है, उसको आगे ले जाने के लिए हम तो कोशिश कर रहे हैं, पर सभी पार्टियों से और सभी विधायक जो विदर्भ से ही नहीं समूचे महाराष्ट्र से यहाँ पे आए हैं, उनको कोशिश करनी चाहिए कि प्राथमिकता ये विदर्भ विकास को हो, विदर्भ के किसानों को हो, विदर्भ के युवाओं को रोजगार की दृष्टि से हो। जी, बहुत सालों से आपका जो विदर्भ का मुद्दा है आप बहुत सालों से लेके चल रहे हैं, सरकार में आप BJP के ही विधायक होने की वजह से सरकार क्यों इस बात को नजरअंदाज कर दिया? सर, मेरे सामने भी ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह आज तक बना हुआ है। हमारे राज्य के मुख्यमंत्री सन्मान्य देवेंद्र जी फडणवीस हो, वित्त मंत्री सुधीर भाव मुनगंटीवार हो, कि मोना भारतीय जनता पार्टी की ये भूमिका रही है कि इस देश का 30वां राज्य विदर्भ राज्य जल्द से जल्द अस्तित्व में आए,
वो आज तक अगर नहीं हो रहा है तो लोगों में इसकी गलत कहीं ना कहीं जब चुनाव हुए थे विधानसभा के तो यही बात की गई थी और इन्हीं बातों पर सीएम साहब ने अपनी सीट यहाँ से जितने भी सीएम बने थे, लेकिन आज वो कहीं ना कहीं वो चीज़ भूलते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, जब भी आप कह रहे हैं कि ये भूलते हुए नजर आ रहे हैं, उसका खामियाजा भी भंडारा गोंदिया में भारतीय जनता पार्टी को भुगतना अगर पड़ा है तो वो निश्चित तौर पे विदर्भ की मांग पूरी नहीं कर पाए इसीलिए हुआ है। तो अभी भी टाइम है, मोदी सरकार अभी भी साल भर बचा है, पूर्ण बहुमत की सरकार है। मेरी गुजारिश है सम्माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से कि विदर्भ राज जल्द से जल्द अस्तित्व में लाए। जी, मेरा आखिरी सवाल, क्या लगता है आपको कि विदर्भ वीर जामुंद्रा धुर्वे जी, उन्होंने विदर्भ के लिए अभी अविरत बहुत सारी चीज़ें की, ठीक है, आप भी विदर्भ के लिए बहुत सारे समझते हो, क्या लगता है आपको विदर्भ अलग होगा? ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, उत्तराखंड हो, इसकी निर्मित की, तो मुझे पूरे यकीन है कि आने वाले महीनों में विदर्भ का राज्य इस धरातल पर अस्तित्व में आएगा। हमारे साथ इस वक्त मिलिंद माने जी यहाँ मौजूद हैं, हमसे मिलेंगे और जानेंगे किस तरह के मुद्दे थे उनके इस सदन में और किस तरह के मुद्दों पर उन्होंने विचार किया है, किस तरह के मुद्दों पर बातचीत की है। जी मिलिंद जी, आप मुझे बताइए कि आपने सदन में किन किन मुद्दों के ऊपर अभी तक की बातचीत की? वैसा देखा जाए तो सदन पूरा यानी 10 दिन हो रहा है, चल रहा है, यानी पहले हफ्ते के 3 दिन और ये हफ्ते के 5 दिन हो रहे हैं। पांचों भी दिन के अंदर में सदन जैसा चलना चाहिए, पहले 3 दिन तो कुछ हुआ ही नहीं काम, और उसके बाद में दूसरे भी जो 5 दिन आए तो बड़ी मुश्किल से मंडे को काम हुआ है, उससे ज़्यादा कोई और काम नहीं हुआ है। सही मायने में तो सदन के अंदर में मुझे एक भी प्रश्न के ऊपर में मेरे बात करने का मौका प्राप्त नहीं हुआ है। मैं हमारे जो तारांकित प्रश्न लगे थे वो भी ये सब जो सभागृह के अंदर में गड़बड़ी चल रही है उसके अंदर में तारांकित प्रश्न भी हमारे चले जा रहे हैं, लक्ष्य विधि भी चले जा रही है, औचित्य के मुद्दे रहते हैं वो भी चले जा रहे हैं। सही देखा जाए तो विदर्भ के अंदर में जो अधिवेशन होता है वो विदर्भ की जनता के लिए होता है। जो करार हुआ था खास करके कि भैया नागपुर में अधिवेशन क्यों, तो जब संयुक्त महाराष्ट्र के अंदर में विदर्भ वहाँ पर शामिल हुआ तो नागपुर ये राजधानी थी, पहले एक स्टेट की सीपी एंड बेरर की राजधानी थी, तो ये राजधानी जैसा उसका स्टेटस था, फिर भी नागपुर का कुछ मराठी भाषिक जिले जो है संयुक्त महाराष्ट्र के अंदर में वो जोड़े गए, लेकिन वही शर्त के ऊपर में जोड़े गए कि ये अधिवेशन जो होगा कम से कम 10-15 दिन या 3 हफ्ते का, 1 महीने का अधिवेशन यहाँ पर होगा तो विदर्भ के प्रश्न के ऊपर में चर्चा होगी और वो सुलझाए जाएंगे। लेकिन हम अभी इसके पूर्व भी जितने भी अधिवेशन देखे, हमने तो एक बार तो नाराजगी जताई कि जब नागपुर में अधिवेशन होता है तो विदर्भ के प्रश्न उसके अंदर में चर्चा होना चाहिए। हाँ, संयुक्त महाराष्ट्र का अधिवेशन है ये मानते हैं हम, लेकिन प्राधान्य तो कम से कम विदर्भ के आमदार को दिया जाना चाहिए, उनके प्रश्नों को देना चाहिए, उनको मौका देना चाहिए। वो कुछ भी बात नहीं होती है, अभी नाना प्रकल्प को लेकर शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस ये सब आंदोलन कर रहे हैं सभागृह के अंदर में, और सभागृह नहीं चलने दे रहे हैं। और पश्चिम महाराष्ट्र का प्रश्न तुम अन्य रास्ते से उसको खुला करो, उधर में नानार प्रकल्प पूरी तरह ऐसा बताया जा रहा है कि नानार प्रकल्प जो है वो लोगों की सम्मति से नहीं बनाया जा रहा है, कहीं ना कहीं लोगों से छुपाया जा रहा है, क्या कहना चाहिए इसके अंदर में? प्योरली पॉलिटिक्स है, नानार प्रकल्प के अंदर में कोई राजनीतिक शक्ति काम कर रही है, जिनको जो प्रोजेक्ट डील करने वाले लोग हैं उनसे उनको कुछ लक्ष्मी दर्शन चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि वो बड़े पैमाने पे लक्ष्मी दर्शन हो जाएगा तो ये प्रश्न वैसा भी छूट जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। इसके पूर्व भी उन्होंने ऐसे ही प्रयास किए हैं लक्ष्मी दर्शन के लिए, और वैसा ये प्रयास इस बारे से ये देखिए, नानार प्रकल्प जो होने जा रहे हैं वो रिफाइनरी है, और रिफाइनरी की ज़रूरत होती है समुद्र किनारा, और समुद्र किनारे के अंदर में ही वो बन सकती है, ना ही कोई अन्य जगह पर बन सकती है, तो वो उचित जगह है, वहाँ के फार्मर्स भी तैयार हैं, लेकिन यहाँ पे केवल पॉलिटिक्स खेला जा रहा है, ये राजनीति है, केवल गिने चुने पॉलिटिशियन इसको हवा दे रहे हैं, और कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस उसके अंदर में सम्मिलित है। आपने एक तरफ जो बात की अभी लक्ष्मी दर्शन कहीं ना कहीं चाहिए, हाँ, राज्य सरकार को आज इस तरह की जरूरत पड़ेगी लक्ष्मी दर्शन? बाकी राज्य सरकार जी नहीं है, जो विरोध करते हैं उनको चाहिए, उनका धंधा ही है वो विरोध करना और दर्शन करवा लेना। जी, तो क्या हाँ, आपको अपनी राज्य सरकार जो है वो हमारी राज्य सरकार जो है एक्चुअली क्या है, हमारी भारतीय जनता पार्टी है और हमारी भारतीय जनता
जनता पार्टी के नेता सीधे विचार से काम कर रहे हैं, ये राष्ट्र को सामने लेके जाने का काम कर रहे हैं, महाराष्ट्र को सामने लेके जाने का काम कर रहे हैं। ये कोई यानी किसी की मेहरबानी के ऊपर में नहीं। और हम ये बोलते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी जो निर्णय लिया है वो ठाम रहेंगे। हाँ, कुछ चर्चा की बात करने की तो ये सभागृह है, आप उसके अंदर में मीटिंग हम कंडक्ट कर सकते हैं, उस मीटिंग में आ जाओ। आपने देखा मिलिंद जी माने हमारे साथ थे, इनसे हमने बातचीत की और जाना उनके क्या मुद्दे थे, किस तरह की उनकी विचारशैली है और किस तरह का उन्होंने भाष्य किया हुआ है। हम आपको और भी लोगों से मिलाएंगे और देखेंगे क्या है एमएनएस न्यूज़ में आगे। तब तक आप देखते रहिए एमएनएस न्यूज़। नमस्कार। मानसून सत्र 2018 देखने के लिए आप देखते रहिए एमएनएस न्यूज़। एमएनएस लाइव न्यूज़ देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस इंडिया ऐप डाउनलोड करें। नमस्कार।